छिल गया था यहाँ से उसका जो आगे का बंपर था, करना तो कट जाता वो डंडा। यहाँ डेंट आ गया, यहाँ डेंट आ गया, यहाँ अभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ रेस दूंगा अपने आप होने देगा। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, और आज हम वीडियो शूट करने वाले हैं भाई। आज हम अपनी दोनों ब्यूटी दोनों चीज लेके जानी है, मेरा दिवांश, तो आज इसको बुलाया क्योंकि भाई स्कूटी चलाएगा, मैं बाइक चलाऊंगा, और आज हम मोटो ब्लॉग भी करने वाले हैं। हमारा जो पुराना एसजे कैम था, एसजे 6 लेजेंड, हमने 4-5 साल पहले खरीदा था कैमरा, हमारा वापस से ऑन हो चुका है, और आज हम उससे मोटो ब्लॉग करने वाले हैं भाई, और मोटो ब्लॉग के लिए भाई कैमरा रेडी कर रहे हैं। तो आज हम आपको मोटो ब्लॉग भी दिखाएंगे भाई साथ के साथ, और आज हम अपनी स्कूटी पे टॉप कर देंगे रैप होने के लिए। और भाई एक और चीज बताऊं तेरे को, भाई तेरे भाई ने चेनो चेनो कल बुक कर दिया, वो भी हमारा भाई चेनो चेनो 10-15 दिन के अंदर हमारे पास आ जाएगा। और फिलहाल भाई बहुत ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि हमें आज स्कूटी और बाइक दोनों में ही काम भी कराना है। करोल बाग से तो हम करोल बाग नहीं जाएंगे, और हमें अपनी बोबा का पोल्यूशन भी कराना है सर्विस सेंटर से, तो वो भी करवा लेंगे। उसका नॉर्मल जगह पर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, और साथ ही हमारा एक पार्सल भी रिसीव हो गया हमारी कार का, हमने इंडिकेटर्स मंगाए थे स्मोक इंडिकेटर्स, तो वो भी अभी अनबॉक्स करते हैं। इसको जल्दी से खोल दो और फिर जल्दी से चलते हैं भाई इसको अनबॉक्स करके। भाई ये LED वाले हैं मेरे ख्याल से, और हमारे जो पुराने वाले थे भाई वो खराब भी हो रहे थे, तो हमने सोचा कि न्यू मंगवा लेते हैं। अब भाई निकलते हैं और आपको मिलो मोटो ब्लॉग करके। निकल चुके हैं, अपना यहाँ पे माउंट कर लिया है, इधर से भी वीडियो बनेगी, और इधर से हम अपना गोप्रो का एंगल भी चेक कर सकते हैं। दिवान चला रहा स्कूटी, हम आ गए अपनी बोबर पर, और अभी हमें भाई पोल्यूशन करवाना है बोबर का। दिवान मेरे को एक जगह लेके जा रहा है जहाँ पे शायद पोल्यूशन पॉसिबल है BS6 वाला, तो हम पहले सोच रहे थे अपना पोल्यूशन जो है मोतीनगर जो जावा का सर्विस सेंटर है वहाँ से करवाएंगे क्योंकि वही करते हैं, बट भाई बोल रहा है कि एक जगह और है जहाँ पे BS6 का भी पोल्यूशन हो जाता है। अभी तो दिवान यहीं था, हो रहा है क्या भारी है। ये देखो अपनी एरर और आज ऊपर साथ चल रही है दोनों, और भाई हमें अभी फ्यूल अप भी कराना है बाइक के अंदर, तो अब पता नहीं भाई साउंड कैसी हो रही होगी क्योंकि मैंने माइक भी लगा रखा है। भाई बता रहा हूँ कि बहुत पुराना सेटअप है मेरा ये मोटो व्लॉगिंग का, तो अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। हमने अपना GoPro भी ऑर्डर कर दिया, GoPro भी जल्दी आ जाएगा, फिर न्यू सेटअप से हम व्लॉग करेंगे। छुट्टी में अब देख रहा हूँ भाई पहली बार अपनी आंखों के सामने चलते हुए ऐसे, तो मेरे को तो पता भी नहीं था, मतलब भाई अपनी खुद ही चलाओ ना तो पता नहीं लगता कि कैसी लगेगी, और भाई अभी मैं देख रहा हूँ तो मतलब भाई अमेजिंग। भाई अब बताओ कैसी लग रही है, भाई मस्त लग रही है। क्या हुआ ओवर फॉर सेल, मतलब इसकी लुक तो भाई सिंगल सीट के साथ ही है। तो भाई अभी हम आ गए थे भाई अपनी हनुमान मूर्ति वाली रोड पर, हमारे साथ क्या हुआ भाई अभी, भाई हमें अभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया और कह रहे भाई इसका तो साइलेंसर चेंज है पर इसमें आवाज नहीं है, और हमारे वाला आवाज ज्यादा कर रहा है, इसमें साइलेंसर चेंज नहीं है। ऑन किया नहीं किया या भेज दिया पता नहीं, परेशान कर दिया भाई उन्होंने हमारा, ये बहुत गलत बात है। भाई हम खड़े थे, ये आगे चल रहा था, इसको नहीं पता था कि वो इसके पीछे है, भाई उन्होंने इसको खींचा, और जैसे ही खींचा भाई इसका हैंडल सीधा मुड़ गया दीवार में, ऐसी ये दीवार थी। और भाई ये देखो नई स्कूटी यार, नई स्कूटी पे यहाँ डेंट आ गया, यहाँ डेंट आ गया, यहाँ डेंट आ गया, यहाँ, और ये भी रगड़ गया भाई, ये देखो अपना मिरर भी रगड़ गया भाई, इतना गुस्सा। ये देखो भाई ये देखिए हर जगह निशान मार दिया, गोबर वर्सी चल 2-3। भाई भाई की जीतेगी ना यार, भाई जीत गया मैं। भाई अपने घर से सबसे पास वाला रास्ता भाई यही वाला है जो करोल बाग को जाता है, क्योंकि तो भाई एरो की अपनी तगड़ी है, ये भाई को जज्बा आ गया पता नहीं, मतलब यार एकदम लोग देख के पता नहीं कितना भगाने लगते हैं इतनी तेज। ये देखो ये देखो, और भाई मुझे बड़ा रिस्की लगता है ऐसी बाइक को घुमाना, स्पेशली रॉयल एनफील्ड बाइक की, ब्रेक कब लगे कब ना लगे कुछ नहीं पता चलता भाई, और साथ में हेलमेट भी ले रखा है, हाथ में टांग रखा है भाई, किसी के लग जाए उड़ जाए लाइसेंस लेके मेरा लाइसेंस ले, कह रहे ये पूछ रहा क्या होगा, मैंने कहा तू चल कुछ नहीं होगा देख। और अच्छा हुआ आज ही पोल्यूशन कराया भाई, वरना तो कट जाता बहुत गंदा भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आज पोल्यूशन नहीं होता ना और किसी साइलेंसर का कटे ना कटे, लेकिन भाई पोल्यूशन जरूर काट देता वो। ये देखना कितने स्क्रैच आगे रैप करा रहा हूँ भाई, समझ रहे अब ये अगर रैप हो रखा होता पीपे हो रखा होता तो भाई ये नुकसान नहीं होता अपना, जब बॉडी पर आया पेंट उतर गया यार, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं। बताओ यार भाई बहुत निशान आया जब से लिए यार, ठुके ही जा रही है, मतलब कभी कोई खुद से एक बार नहीं ठुकी है, लेकिन भाई दूसरे लोग आगे घुस जाते हैं अंदर तब होता है नुकसान। इस वाला आया उसने पीछे से इसको पकड़ा और भाई ये घुस गया अंदर दीवार में, अभी इसकी भी गलती नहीं है यार, भाई आप लोगों को दिखा नहीं पाया, मतलब ऐसा जब गलत काम हो रहा था ना तभी मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है भाई। अपना 1 बज गया, हमें 2 बजे काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई पहले चलते अपने राजू भाई SKD उनके पास चलते हैं, उनको थोड़ा बहुत काम दिखाते हैं, उसमें जो भी सब कुछ अपना होना है, और उसके बाद चलेंगे भाई अपना जो हमें काम करना है स्पेशली। हम आगे थे राजू भाई के पास, अपने सोच रहे कि एक तो ये वाला काम होना था यार, इसकी कैप्स निकल गई, हमारा बार एंड मिरर्स लगवा रहे हैं इसके अंदर भी हम,
और इसमें हमारे निकल गए थे, ये भी लगवा दिए। और भाई अभी एक इंडिकेटर ला के दे रहा हूँ, इंडिकेटर और लगा दियो पीछे। इंडिकेटर्स लगने वाले हैं इसमें, बाइक चेंज होने वाली है। ये और ये आज दोनों हमारी चलान कटते कटते रह गया हमारा चलान। ऐसा भाई फ्रेम की बात कर रहा था, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई, इसमें जैसी हो रखी है। इस तरफ का लगा हुआ था, हमने दूसरा लगवा लिया। अब ये और ये हम सेम कर देंगे, ऐसा काम करते हैं। ये वाला ये रहने थे, ये वाला ये रहने थे, सब बढ़िया लगेंगे। सही कह रहा भाई, ओनली वन इन इंडिया हो जाएगा ये भी। मेरे सामान लग चुके हैं, अभी मुझे चेक करना बस। भाई हमारे ना पिछले वर्ष किसी ने बाइक ही गिरा दी थी भाई, खड़ी खड़ी, उस चक्कर में हमारा एक तरफ का मेरा टूट गया। राजू भाई कैसे हो? एक चीज की वो है मेरे को, पेडोक वगैरह लाओ यार, काम नहीं हो रहा, टेढ़ी खड़ी है, पेडोक पे खड़ी करवाओ आप। चलो आज हम भाई से लगवा रहे हैं इंडिकेटर्स, और हमारे बार एंड मिरर्स लग चुके हैं। और भैया इसके लिए भी मंगा दो, एयरबैग्स भी ले आया मैं आज। बताइए क्या चाहिए? इसके लिए भी बार एंड मिरर दे दो बढ़िया से। आ रहे हम जा रहे हैं भाई एयरबैग्स के लिए, सीएमसी का एयर फिल्टर लेने, और हमें एक लाइट लेनी है, हमें स्कूटी की वो भी लेने, तो वो लेते हैं, और हेलमेट लेना है हमें। तो हम जब तक हमारी पोवर रेडी हो रही है, हम थोड़े बहुत काम अपने निपटा लेते हैं जल्दी से। एक और स्पेशल काम करना है, रात में चावल खाना भाई, वो तो ना अभी याद दिलाया, वो हम कर लेंगे। लग चुके अपने इंडिकेटर्स, अच्छे लग रहे हैं वाले। अब भाई इसकी बारी आ चुकी है, उसका पूरा काम हो गया हमारा, अब इसमें हम लगाने वाले हैं अपने हैंडल बार मिरर। फिलहाल कुछ ऐसा देना, हम दोनों जा रहे हैं अब वो जो हमारा स्पेशल सामान था वो लेने के लिए, और हम आ गए कफार में। भाई मिरर्स लग चुके हैं, पर भैया ने ये भी लगा दिए साथ में, ये चारों, ये निकाल दो इनको, ये चारों मैं कैसे दिखूँ, ये चार चार शीशे कर दिए आपने। और बाइक का छोड़ा है मेरी, पक्का ठीक है ना, सलामत भाई? अपने एग्जॉस्ट स्लाइडर्स भी आ गए हैं, भैया कहाँ चले गए? भाई अब इसमें हमने देखा थोड़ा सा टाइटेनियम का फिनिश, टाइटेनियम बोलो और रेनबो बोलो, कुछ ऐसी लुक आ रही है, पहले वाला हट चुका है, मेरे ख्याल से उससे अच्छा लग रहा है भाई, उससे बेटर। और एक और खासियत इसकी भाई, ये निकलेगा नहीं ना भैया, ये वाइब्रेट बहुत होती है स्कूटी, तो वाइब्रेशन के चक्कर में निकल गया था, बट ये वाले नहीं निकलने वाले। तो भाई सारा हमारा काम हो गया था करोल बाग में, और भाई बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लेट हो गया, भाई को भी लेट हो गया, जो हमने सोचा था उससे दो घंटे लेट चल रहे हैं, और स्विच कर लिया हम दोनों ने। भाई चला रहा है बोबर मेरी, और मैं चला रहा हूँ अपनी एयरबैग्स, और इसमें एयरबैग्स में हमारा मिरर का काम हो गया। थोड़ी सी अलग लग रही है अभी चलाने में, पता नहीं क्यों, भाई कोई और मेरी चीज़ चलाता ना, उसके बाद अपनी चीज़ वापस से चलाता हूं। तो भाई पता नहीं क्यों ऐसा सा लगता है कि मतलब कुछ हो गया हो या कुछ अलग सा लगता है मेरे को, पता नहीं, वैसा नहीं लगता जैसे मेरी चीज़ है। टोटली बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसको चलाने का, क्योंकि यहाँ से मेरे हट चुके हैं भाई। अभी अभी एक क्रेटा वाले ने हमारे पीछे चिपका दी, अच्छा हुआ भाई स्लाइडर्स लगवा रखे थे, बच गया, वरना दोस्त ने मार देता और उसका पेंट टुकड़ गया। ये फायदा भाई इनका लगवाने का। मतलब अब देख रहा हूँ मैं पहली बार बाइक अपनी, या तो मैं चला रहा होता हूँ या मैं पीछे बैठा होता हूँ, पर अब ऐसी लुक आ रही है इसकी। अब मैं इसको देख रहा हूँ ना, इसमें दिखा रहा हूँ कि इसका व्यू बताना, मेरे को नहीं पता क्या एंगल होगा क्योंकि ऑलरेडी सेट हो रखा है। एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब रेस दूँगा अपने आप ऑन हो जाएगी, अगर 5 सेकंड तक आइडल रहेगी तो अपने आप फिर से बंद हो जाएगी। तो ये है फ्यूल सेविंग टेक्निक जो कि भाई आमा ने निकाली है, और आजकल तो सारी स्कूटियों में आ रही है। तो प्लान था आज हमारा इसको रैप के लिए छोड़ने का भी, बट अभी रैप का मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है क्योंकि लेट हो गए, इसको भी जल्दी से घर जाना है, कल छोड़ूंगा या फिर मैं आज शाम को शायद वापस आऊँगा छोड़ने के लिए। भाई यार अब बड़ी गंदी तरह भगाता हुआ, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी बाइक ऐसे चलते हुए भाई, क्या क्या लग रही है, मस्त लग रही है। छोटे छोटे से इंडिकेटर की थोड़ी पोजीशन उसने गलत कर रखी है, एक लेफ्ट वाला ऊपर लग रहा है, राइट वाला देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से तो नीचे लग रहा है। तो भाई यहाँ पर वो क्रेटा लग चुकी थी, और देखो भाई बिल्कुल भी कोई डेंट वगैरह तो हमारे पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ तो हुआ उसका भाई, छिल गया था यहाँ से उसका जो आगे का बम्पर था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं माइनर सा, बट हाँ इसने बचा लिया भाई हमारे एग्जॉस्ट को। ये थोड़े बहुत काम में अब छोटा हो जाता है, जैसे मैंने बताया था भाई अपनी बाइक का भी शीशा है, देखो कितना लूज कर रखा उन्होंने, यहाँ से लूज हो गया, एक देखो कैसा जा रहा है, एक देखो कैसा जा रहा है, इसमें भी इसने भाई ने ज़्यादा आगे कर दिया, मैंने आपको बताया जैसे इसको। तो भाई फाइनली भी आज बैग हमारा काम हो चुका है, इसको मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फिलहाल ब्लॉक कर दे यहीं पे हैं, अब हम कल जाएंगे स्कूटी को छोड़ने, और जो हमारा स्कूटी का रैप कराएंगे वो हमें अलग ब्लॉक में बनाऊँ, और कुछ दिन के लिए हमारी एयरबैग्स भी चली जाएगी क्योंकि हमें कुछ दिन बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 दिन के लिए टाइम लगेगा भाई जो हमारा रैप करा। और इसी के साथ इस ब्लॉक को करते यहीं पे एंड, और ये हंस रहा है पीछे से क्योंकि भाई बहुत बार इंटरप्ट हो चुका हूँ, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, कभी बाइक घोड़ी गाड़ी पता नहीं सब आ रहा है, देखो फिर आ गई मेरा। इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, और इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना भाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी हमारी वीडियो की। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।